हेलो ऑल ऑफ यू, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थिंग क्यों नेसेसरी है। जैसे कि हमारा एक चैप्टर है उसमें अर्थिंग रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं, ठीक है। सो अर्थिंग व्हाई अर्थिंग इज़ नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है विदाउट अर्थिंग और एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। ये सिंगल फेज रिलेटेड है, तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि थ्री फेज में भी अर्थिंग क्यों नेसेसिटी है, मतलब हर एक इक्विपमेंट में, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो थ्री फेज हो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है फेज के, यहाँ पे मैंने फ्यूज कनेक्ट किया है उसके सीरीज में, और यहाँ पे लोड है, और ये जो लोड है वो मैंने हीटर करके यूज़ किया है। हीटर जो इक्विपमेंट रहेगा ना आपका, हीटर वो हमने लोड करके यहाँ पे पुटअप किया है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने अर्थिंग इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, मतलब ये हीटर को नहीं दी है, प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज इन केस अगर कुछ फॉल्ट वगैरह यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे कुछ फॉल्ट वगैरह होता है, ठीक है, फॉल्ट एफ, अगर ये इक्विपमेंट है यहाँ पे अगर कुछ फॉल्ट वगैरह हो रहा है, या फिर यहाँ पे ये फेस पे इधर पे भी फॉल्ट वगैरह हो रहा है, कंडक्टर ब्रेक हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हीटर है इसमें से ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, जिसे हम कहेंगे इनरश करंट, इनरश करंट, ओके, इनरश करंट, या फिर हम इसे फॉल्ट करंट भी कहेंगे, ठीक है, फॉल्ट करंट या फिर इनरश करंट, ओके। अभी अगर यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इस फेस में से ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, बहुत सारा अमाउंट में, मतलब जो भी इसका रेटेड करंट है, सो मल्टीप्लाई बाय 3 to 4 times रेटेड करंट से मल्टीप्लाई बाय 3 to 4 times ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये लोड में से भी, मतलब ये हीटर में से भी ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। तो इन केस अगर वहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, ये यहाँ पे सपोज ये कोई तो पर्सनल है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, अगर उसे पता नहीं है कि, हम देख के तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है, कुछ भी इंटरनल फॉल्ट वगैरह हुआ है, फॉल्ट करंट ज़्यादा अमाउंट में फ्लो कर रहा है, और ये बंदा यहाँ से जाके ये हीटर को इसने टच कर दिया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसने टच कर दिया तो बंदे ने, तो डेफिनेटली होगा क्या, जो भी ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है वो अभी इस बंदे ने इसे टच कर दिया, इस हीटर को, ये लोड को। तो टच करने के बाद ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसको क्या लगेगा, ज़्यादा अमाउंट में शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक वो एक्सपीरियंस करेगा। क्यों इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये बंदा ज़मीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो ये करंट ये न्यूट्रल की तरफ ना जाके क्या होगा, सीधा वो बंदा जिसने ये टच किया है इस पर मटेरियल को, इस हीटर को, उसमें से ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ऐसा आएगा करंट आई एफ, देन यहाँ से करंट आई एफ, और ये सीधा करंट कहाँ पे जाएगा, ग्राउंडेड में जाएगा, ग्राउंडेड, ठीक है, ग्राउंडेड जाएगा करंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप रेजिस्टेंस और करंट देखते हो तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, आर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब ज़्यादा अगर करंट है तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है, ठीक है। सो ये बेसिक साइंस का हमने देखा था, अभी देखा कि विदाउट अर्थिंग क्या हो सकता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें अगर हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं इस मटेरियल को या फिर इस लोड को तो क्या होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है, जैसे कि हमने विदाउट अर्थिंग तो देख लिया, अभी हमें देखना है कि विद अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। तो वही सेम डायग्राम है, वही सेम सेटअप है, सो जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, सपोज वही फॉर्मेट है, अगर यहाँ पे किधर पे भी फॉल्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब 3 to 4 times रेटेड, ओके। तो इतना अमाउंट में करंट अगर फ्लो करेगा तो डेफिनेटली ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे फॉल्ट वगैरह किधर पे भी हो रहा है, ठीक है, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, जैसे कि हमने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में भी देखा था, यहाँ पे एक बंदा ये खड़ा है,
अगर वो जाके यहाँ पे इसे टच कर रहा है, बट बिफोर दिस हमने क्या लिखा है, विद अर्थिंग। तो ये जो इक्विपमेंट है, हीटर है, उसे हमने क्या किया है, पर्टिकुलर अर्थिंग प्रोवाइड की है, ठीक है। अभी क्या करेगा, अगर फॉल्ट भी हो रहा है तो फॉल्ट करंट ज़्यादा अमाउंट में जो फ्लो हो रहा है इसमें से, इस हीटर में से, वो डिरेक्टली डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब ग्राउंड में जा रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ज़्यादा अमाउंट में करंट डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, और ये सर्किट अपना यहाँ से लेकर, ग्राउंड से लेकर ये सर्किट अपना कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से फॉल्ट करंट फ्लो करेगा और ये न्यूट्रल की तरफ आ जाएगा, मतलब सर्किट कंप्लीट हुआ। सो इन केस अगर कोई भी वहाँ पे बंदा जो काम कर रहा है इलेक्ट्रिकल के वहाँ पे, तो अगर वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और इसे टच भी कर रहा है, ठीक है, इस इक्विपमेंट को, तो भी वो इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है वो पहले से ही उस इक्विपमेंट को अर्थेड किया हुआ है, ग्राउंडेड किया हुआ है, अर्थिंग प्रोवाइड की हुई है इस हीटर को, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट का करंट कहाँ पर जा रहा है, डायरेक्टली ग्राउंड में जा रहा है। तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हमें अर्थिंग का मतलब अर्थिंग का यूज़ क्या होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, वो पता चलता है। तो उसकी वजह से अर्थिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ओके, थैंक यू।